Welcome to my channel Code with Anand10. Today we are going to see how if let and guard else statement will work in iOS Swift. So चलिए शुरू करते हैं like how exactly it will work. So before getting start, मैंने एक function create किया जो कि एक optional type का string return करेगा and in return we have just simply written test. एंड फंक्शन नेम इज चेक वैल. सो लाइक ये स्ट्रिंग ऑप्शनल इसलिए हमने रिटर्न किया कि दिस फंक्शन कैन हैव वैल्यू और कैन बी ऑप्शनल एज वेल, राइट. सो हाउ वी विल एग्जैक्टली चेक यूजिंग दिस थ्री कंडीशन स्टेटमेंट इफ इफ लेट एंड गार्ड एल्स, लेट्स सी. सो पहले हम चेक करते हैं नॉर्मल इफ कैसे यूज करेंगे हम इसके लिए. सो वी विल चेक, विल डू वन थिंग, विल क्रिएट वन फंक्शन. फंक्शन नेम विल बी टू टेस्ट ऑप्शनल. ओके, और इस फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं जस्ट डाउन. और इसके अंदर हम चेक करते हैं इफ कंडीशन. जैसा कि आप देख पा रहे हो, इफ हम इधर फंक्शन और लूप के अंदर, और हम लूप के अंदर फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लेकर उसके अंदर में ये चेक करेंगे कि इफ आवर चेक वेल, जो हमारा चेक वेल फंक्शन है उसको जो कॉल करेंगे, दैट शुड नॉट इक्वल टू निल. व्हाट आई वांट, आई वांट टू प्रिंट जो भी उसका वैल्यू है उसको हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे. सॉरी, चेक वेल, राइट. जैसा कि ये ऑप्शनल है तो हमको एक वार्निंग थ्रो करेगा, एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली कोर्स्ड फॉर स्ट्रिंग ऑप्शनल टू एनी. तो हमें सजेशन में ये क्या बोल रहे हैं कि ये ऑप्शनल टाइप का है, तो इसमें या तो हम इसको फोर्सली अनरैप करें, जो कि मैंने आपको बताया था फोर्सली अनरैप ऐसे करते हैं हम लोग, बट हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ये फंक्शन हमारा रिटर्न वैल्यू करेगा या नहीं. सो वी विल नॉट गोइंग टू यूज फोर्सली अनरैप. व्हाट सेकंड ऑप्शन वी कैन डू, वी कैन डू डिफॉल्ट वैल्यू. यस, सो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक ऑपरेटर पढ़ा था, नील कोलियंसिंग ऑपरेटर, जिसको डबल क्वेश्चन मार्क बोलते हैं. तो उसको यूज करके हम इस स्ट्रिंग में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, लाइक एनी वैल्यू यू कैन से, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी आप पास कर सकते हो. और अगर हम इस मेथड को रन करते हैं तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग टेस्ट, राइट, बिकॉज वैल्यू वॉज देयर एंड वंस वी चेक दिस वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू नील, सो आई प्रिंटेड दिस फंक्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर इफ लेट कंडीशन. ओके, I'll comment for now, okay, for this one, and let's see how if let is working. So if let will work something like this. If let में हम एक variable create करते हैं जो कि ये जो आप रख सकते हैं उसका नाम str वैल. ओके, और इसमें हम कैसे क्रिएट करते हैं कि हमारा जो चेक है, चेक वैल्यू में वैल्यू है तब ये हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे. ओके, और इसको हमको मेंशन करना पड़ेगा ये किस टाइप का है, राइट. सो क्या है, रिप्लेस लेट वेयर विथ चेक वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नील.
So we will do what? We are expecting this value should be type of string. हम ऐसे type किसी value को देते हैं. Okay. Oh, it is not required actually because we know it's already string. So no need to typecast. What last warning it was saying? Let's see one more time. Okay. Ah, okay. Okay. I got it. So actually, last time it was throwing the error for this only because might be not got saved. So अभी save हो चुका है. So it's saying value star val was defined but never used. Correct. क्योंकि हमने उसको डिफाइन किया है बट यूज़ नहीं करना है तो हम उसको प्रिंट स्टेटमेंट करते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है. सो नाउ लेट्स कॉल दिस फंक्शन अगेन एंड इट विल प्रिंट द सेम टेस्ट. सो इसमें क्या होता है इफलेट में ये नॉर्मल इफ से डिफरेंस क्यों है क्योंकि नॉर्मल इफ में हम डायरेक्टली आप देख रहे हो कि मैं चेक कर रहा हूँ दिस फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है शुड नॉट बी इक्वल टू नील. But here what we are trying in flat, it's giving, it's let, ये आपको एक variable create कर रहा है flat और उसमें store कर रहा है उसमें हम जो value call कर रहे हैं check function जो भी function call कर रहे हैं उसका value को उसमें store करेगा ये. अगर अगर इसमें कोई value नहीं होता है तो ये इस block के अंदर में ये line execute नहीं होगा. So in order to do this we will do to make this condition false we can try something what we can do yeah we will do simply we will return nil. Okay and let's see what it's printing. So this line will not should not execute. Okay because ye check ye sabse pehle iflet mein yahan pe aaya aur yahan pe isko pata chala ki nil hai jis jo ki koi value nahi hai usme तो वो स्टोर ये उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर में आएगा ही नहीं ये यहीं से रिटर्न होकर वापस चला जाएगा. सो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में रिटर्न होने का मतलब कि फंक्शन के नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा बट इसमें वैल्यू है तो ये इफलेट के अंदर में आएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जाम्पल फॉर गार्डेल्स. Guardlet. It's kind of similar to iflet only two differences there. So I will showcase to you. So it will also give you one value guardels may or we will call the function called checkVal. Else return. So ये क्या है मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ ये इसका सिंटेक्स ऐसा क्यों है. So we will write the print first. उसमें हम क्या करेंगे वैल्यू का प्रिंट करेंगे राइट एंड लेट्स कॉल दिस फंक्शन टू टेस्ट ऑप्शनल एंड इट विल इफ यू सी इट्स प्रिंटिंग द टेस्ट फॉर द सेकेंड वन. ओके तो इसमें क्या कर रहा है ये कि ये जब भी हम गार्डलेट यूज करेंगे तो इसका सबसे बड़ा ये है कि ये सिर्फ सक्सेस पाथ को ही टेस्ट करता है. मीन्स सबसे पहले ये देखेगा कि इस फंक्शन में कोई नील वैल्यू है कि नहीं. ओके अगर नील वैल्यू हुआ तो ये इधर से ही रिटर्न हो जाएगा. इट विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द फर्दर लाइन इन दिस फंक्शन एज वेल. ये इधर से ही रिटर्न हो जाएगा और रिटर्न इज मैंडेटरी. लाइक वी हैव इधर वी कैन राइट रिटर्न ब्रेक एनी लाइक वी कैन राइट रिटर्न ब्रेक ये हम इसमें कोई भी एक लिख सकते हैं बेस्ड ऑन आवर यूज केस बट हमको ये मेंशन करना जरूरी है. अगर वी विल नॉट मेंशन रिटर्न इट विल थ्रो यू द एरर. इफ यू सी इट विल सजेस्ट यू गार्ड बॉडी मस्ट नॉट फॉल थ्रू कंसिडर यूजिंग रिटर्न और थ्रो और एग्जिट. ओके सो हम इसमें रिटर्न थ्रो और ब्रेक कोई भी एक यूज करना ही पड़ेगा वो ऐसा बोल रहे हैं तो वी विल यूज रिटर्न. जनरली वी विल यूज रिटर्न बिकॉज दिस इज वॉट वी नीड लाइक बट अगर हमको ब्रेक करके नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो हम ब्रेक करके कर सकते हैं. बट यहाँ पे हम लोग जैसा कि मैंने बोला ये पहले चेक करेगा इस वैल्यू में दिस फंक्शन इज रिटर्निंग एनी वैल्यू और नॉट. ओके
if this function is returning any value, then it will come to this print statement. Otherwise, it will return from here only. So, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये else block execute करते हैं. अगर ये fail होगा तो सबसे पहले यही से ये return हो जाएगा. आपका next condition execute ही नहीं होगा. So, this is how and it will work. Let me uncomment this one also, and I will tell you the basic difference. Iflet और guardlet, ये तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है जो वो है कि iflet में हम कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट कंडीशन में चेक करते हैं कि ये नॉट इक्वल टू nil, देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज वी आर सेटिंग सम डिफॉल्ट वैल्यू. सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू हैंडल द ऑप्शनल वैल्यू, वी कैन पास सम डिफॉल्ट वैल्यू यूजिंग डबल क्वेश्चन मार्क. Now let's coming to the iflet and guardlet. Iflet में आपको देखने को मिला कि इसमें भी हम let variable create कर रहे हैं, इसमें भी let कर रहे हैं. But iflet में क्या है? The biggest difference between iflet and guardlet. अगर iflet का value succeed होता है, तब ये इस block के अंदर में ये आता है. आप लोग देख रहे होंगे. और this block variable we cannot use outside this block, right? अगर हम इस वैल्यू को बाहर एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा. इसका जो एग्जिस्टेंस है उसका लाइफ टाइम है इसके अंदर तक ही है. इसके बाहर अगर हम चाहें करना चाहें तो नहीं हो पाएगा. ओके, मान लो कि प्रिंट करके हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू को हम बाहर प्रिंट करें, तो ये आउट ऑफ स्कोप है एक्चुअली में. समझ पा रहे हो? राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो कैन नॉट फाइंड बिकॉज इस स्कोप में है ही नहीं. बट इन केस ऑफ गार्डलेट ये आप देख पा रहे हो कि ये थ्रू आउट दिस ब्लॉक ऑफ फंक्शन वी कैन यूज, लाइक इस फंक्शन के ब्लॉक में जहां भी चाहे हम इसको यूज कर सकते. दिस इज द बिगर डिफरेंस बिटवीन इफलेट एंड गार्डलेट. इफलेट का ब्लॉक तक में ही एक्सेस होता है और ये गार्डलेट का थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन, थ्रू आउट दिस फंक्शन वी कैन यूज. द अनदर डिफरेंस इन गार्डलेट वी मस्ट हैव else block with some follow through statement. The follow through statement can be return, break or throw keyword. Okay? So, अगर आप ये condition fail होता है तो direct ये else block में जाएगा और return हो जाएगा, ये आगे आएगा ही नहीं. Iflet में क्या होता है, अगर fail होता है तो ये भी इधर से next statement execute होगा, इसमें यहाँ से return हो जाएगा but इसमें execute होगा. अगर इसको हमको execute करवाना है तो break के through कर सकते हैं. So this is biggest difference between iflet and guardlet. I hope you guys understand, right? And अगर आपको थोड़ा theoretically ज़्यादा explain, इसलिए मैंने यहाँ करके रखा है, एक comment लगा कर रखा है. इस comment में तीनों का जो main difference है मैंने वो बताया है. Iflet is similar to if condition with the additional functionality of defining let variable. जैसा कि हमने बताया था कि let variable हमने define करने का एक extra functionality देता है iflet में. Where can do the consumption और optional को unwrap करने के लिए हमें iflet या guardlet ही use कर, हमारे पास दो ही use cases है, इधर iflet और guardlet. Okay? So you guys can go through this doc. So let me know guys if you have any query or any suggestion or any comments. So और आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स.